लेकिन अब आपको लिए चलते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास से, हमारे सहयोगी शिवेंद्र प्रताप बातचीत करेंगे। शिवेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा प्रताप सिंह खाचरियावास से जो बातचीत आप करने वाले हैं वो कीजिए कि किस तरह से अब, क्योंकि स्थितियां बदली हैं, बहुत कुछ कल में भी हुआ है। सीधे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास इस समय जुड़े हुए, मेगा उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो अभी पॉलिटिक्स का क्राइसिस चल रहा है उसमें पूरा जो सिनेरियो है वो नोटिस तक आ गया है सर। कल तक तो ये चर्चा थी सर कि आपको भी नोटिस मिल सकता है, लेकिन आपके सहयोगियों को नोटिस मिला है सर, क्या कहेंगे धारीवाल जी, महेश जी और राठौर सर? ये हमारे परिवार का मामला है और धारीवाल जी, महेश जोशी जी, धर्मेंद्र जी, इनको नोटिस दिया गया है। आप ये मानकर चलिए, अब कांग्रेस परिवार ने नोटिस दिया है तो ये मानकर चलो आप उस नोटिस का जवाब देंगे, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस परिवार का इंटरनल मामला है और इसका जवाब देंगे। लेकिन नोटिस से ये तो समझा जाए कि आलाकमान नाराज है सर, उन्होंने माना है कि जो ऑब्जर्वर उन्होंने भेजे थे उनकी मीटिंग विधायकों ने नहीं होने दी, और खासकर चीफ व्हिप, संसदीय कार्य मंत्री जिनकी जिम्मेदारी थी सर कि उस मीटिंग को कराते, उन्होंने अपने घर पर पैरेलल मीटिंग रख ली। आप एक बात मुझे बताइए, ये कांग्रेस का परिवार है, कांग्रेस कौन जो जनता की आवाज़ बनकर लड़ती है, कांग्रेस कौन जो हिंदुस्तान की संस्कृति की बात करती है, कांग्रेस कौन जो डेमोक्रेसी की बात करती है, कांग्रेस कौन जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती है, कांग्रेस कौन जो मोदी सरकार के जुल्म, झूठ और धोखे के खिलाफ लड़ती है, उसी को कांग्रेस कहते हैं। जो कांग्रेस जनता की आवाज़ है, जिस कांग्रेस का नेता राहुल गांधी सड़कों पर निकल रहा है, रोज किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहा है देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, कि ये लोग लोकतंत्र की आवाज़ को दबा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, जिन मुद्दों और वादों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप मुझे ये बता दो, बीजेपी के लोगों ने कहा था आप और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, विज्ञापन आता था ये नारा था, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब और नहीं महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये टीवी पे विज्ञापन दिए थे उन्होंने। महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, हर एक घंटे में चार आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, चार लोग महंगाई के कारण। जुल्म और पाप हो रहा है, मैं आज आपसे कह रहा हूं कि इतना बड़ा पाप हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी गेहूं मिलता है खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून का, मैं मिनिस्टर हूं, खाद्य मंत्री, 2011 के बाद गेहूं नहीं बढ़ाया, क्यों जनसंख्या नहीं बढ़ी? आप ये कहते थे कि नरेगा बंद कर दूंगा प्रधानमंत्री जी, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बंद कर दिया, नरेगा बंद नहीं हो सकता, रोटी मिलती है नरेगा से। इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने। एक कानून मुझे बता दो जो बीजेपी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने दिया हो, एक कानून नहीं दिया। मोदी सरकार कहती है धर्म के नाम पर टकराव पैदा करो, उससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हट जाएगा, 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। इसके बीच में ये कहते हैं कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात उठी और MLAs ने यदि ये कहा और वहाँ इकट्ठे हो गए, इन्होंने इकट्ठा किया क्या? MLA खुद पहुंच गए धारीवाल जी के यहाँ पर, मैं खुद और डोटासरा जी CM साहब के साथ सुबह निकल गए थे तनोट माता जी के यहाँ, 6:30 बजे हम वापस आए, मैं माकन साहब से मिलने गया, डोटासरा जी भी गए, डोटासरा जी पहले मिले बाद में मैं मिला। CM अशोक गहलोत जी ने कहा कि आप माकन साहब को, खड़गे साहब को लेके और विधायक दल की मीटिंग में आ जाना। सच कह रहा हूँ, हम तीनों को ये पता नहीं कि वहाँ MLA जी इकट्ठे हो गए। मैं जब माकन साहब से बात कर ली पूरी हो तो वो बोले यार वहाँ धारीवाल जी के यहाँ 20-25 MLA इकट्ठे हो गए, ये सच है, आप वहाँ से धारीवाल जी को लेके मेरे पास आ जाओ, अपन उनसे बात कर लेंगे फिर निकल लेंगे। ओके, मैं चला गया, वहाँ 50 से ज़्यादा MLA इकट्ठा हो गए थे, हॉट टॉक्स हो रही थी, धारीवाल जी से माथापोड़ी कर रहे थे कि साहब अचानक आप मीटिंग बुलाते हो, ये क्या झंझट हो रहा है, हमसे बिना पूछे आप कैसे चीफ मिनिस्टर का फैसला कर सकते हो, चीफ मिनिस्टर कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? चीफ मिनिस्टर ने कहा था मैं अभिभावक हूँ। तो ये हमारा इंटरनल मामला है कांग्रेस परिवार का। माकन साहब हमारे बड़े भाई हैं मेरे, खड़गे साहब हमारे बड़े भाई, हमारे नेता हैं, यदि कोई बात उठी है तो उसको दूर कर लेंगे कहीं। ये आप मैं मानता हूँ कि CLP की मीटिंग होनी चाहिए थी, वो भी चाहते हैं धारीवाल जी, महेश जी, मैं, CM साहब, उसके बाद अब MLA आए और यहाँ इस्तीफा दे दिया CP साहब को, मैं खुद उनके साथ आया, उनकी भावना थी, उसके बाद हम मिलने गए, हमने शर्त रखी तो CM साहब ने ये कहा कि साहब कोई शर्त नहीं, एक ही एजेंडा होगा, तो माकन साहब की वो बात हमने मान ली। अब कोई भी बात होगी और कहीं सवाल उठा है तो माकन साहब हमारे लीडर हैं, उनका सम्मान करते हुए जवाब देंगे। प्रताप जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है क्योंकि आज 28 तारीख हो गई, 2 दिन और है कांग्रेस अध्यक्ष के नामांकन में, अभी तक पता नहीं चल रहा कि अध्यक्ष होगा कौन। आज अशोक गहलोत साहब जा रहे हैं दिल्ली, क्या आपको लगता है कि नामांकन करेंगे अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष के लिए? देखिए, आप पीछे जाइए, अशोक गहलोत जी नवरात्रों के जस्ट एक दिन पहले तनोट माता जी से आशीर्वाद लेने गए थे। तनोट माता जी शक्ति है, जब भगवान राम रावण को मारने गए तो रामेश्वरम में सबसे पहले उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की, उनके जो एडवाइजर्स थे बड़े समझदार थे,
तो उन एडवाइजर्स ने ये कहा कि भाई अब आप रावण को मारने जा रहे हो तो रावण को मारना आसान नहीं है। तो भगवान राम का नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा क्या होती है, राम राज्य क्या होता है। तो उन्होंने भोलेनाथ शिवलिंग तैयार किया, मिट्टी का, भगवान राम की पूजा की और कहा मेरी मदद करो, रावण को मुझे मारना। और वो रावण को मारने गए। उसके बाद एक दिन राम रावण युद्ध हो रहा था, उस दौरान शक्ति की पूजा की भगवान राम ने और शक्ति लेकर और फिर लड़ाई लड़ी। अशोक गहलोत जी बीजेपी से लड़ने के लिए, बीजेपी के जुल्म से लड़ने के लिए सबसे पहले आ गए तनूट माता जी। वो शक्ति लेकर आए, जब वो शक्ति लेकर आए जब जिसके साथ शक्ति खड़ी हो, माता जी का आशीर्वाद हो और वो कहीं जा रहे हैं तो ये मानकर चलना, हमारे यहाँ भी शक्ति के रूप में सोनिया गांधी जी हैं तो कहीं से शक्ति लेनी है और कहीं उनको नेतृत्व कहेगा और वो दिल्ली जा रहे हैं तो मानकर चलना कांग्रेस परिवार का सारा डिस्प्यूट भी खत्म हो जाएगा और सारा मामला खत्म हो जाएगा। ये हमारा पारिवारिक मामला है और रास्ते भी निकल। एक आखिरी सवाल और सर, अगर अशोक गहलोत साहब दिल्ली जा भी रहे हैं और नहीं भी जा रहे तब भी आपका स्टैंड तो कायम है कि जो लोग माने सर गए उनमें से तो कोई मुख्यमंत्री नहीं। अब स्टैंड तो बार बार कितना बुलवाओगे, चोको लागे कि दिन भर पायलट साहब से मुझे अकेले कोई लड़ाओगे क्या पूरा 102 विधायकों के बारे में। पायलट साहब के मेरे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब जिला अध्यक्ष मुझे जब मैं बना उन्होंने भरोसा किया मेरे ऊपर, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, हम दोनों मिलकर लड़े। वो पूरे जयपुर में हर आंदोलन हमने किया तो सारी लड़ाई मारी कराशो। आज आप बताओ सब जगह ये फैल गया कि प्रताप सिंह रास्ता रोक कर खड़ा, भाई साहब मैंने रास्ता नहीं रोका है। ये मैं जो एथिक्स की बात, मेरी कोई पायलट साहब से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, मैं सबको क्लियर कर चुका हूँ ये बात। जो आए वो यार आप यहाँ, अरे तो मैं क्या करूँ काका, दरवाजा खुला है प्रेस वाले आ जाते हैं। तो मैंने एक एथिक्स की बात उठाई थी कि भाई जो एमएलएज ने बात उठाई, मैं इन एमएलएज के साथ होटल में था, वो एमएलएज मेरे को पकड़ते हैं, बोले तुम ही बोल, आप ही बोल रहे थे ना टीवी पे सरकार नहीं गिरने देंगे, बीजेपी शपथ लेने आएगी तो गोलियां चल जाएगी, मर जाएंगे, कट जाएंगे। और जिस दिन हम वहां गए थे गवर्नर के, उस दिन क्या हालत हुई गहलोत साहब की, जमीन पर बैठ गए, पानी नहीं आने दिया अंदर, नाश्ता नहीं आने दिया, 8 घंटे तक वो एमएलए बैठे रहे। यार आपने तो खुद ने देखा शिवेंद्र जी हालत, कितनी बुरी इंसल्ट की हमारी उस दिन गवर्नर हाउस में, सरकार भंग करने की तैयारी कर ली यार, 34 दिन तक होटलों में पड़े रहे। आज 102 विधायकों ने कोई आवाज़ उठाई है तो पार्टी नेतृत्व को ये तो वो कह सकते हैं ना कि हमारी आवाज़ सुनो। अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं अभिभावक हूँ तो अभिभावक को तो पकड़ेंगे बच्चे। तो ये जो सारा मामला है ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे तो 102 लोगों की जो भावना थी वो मैं बोलता हूँ टीवी पर, लोग समझ रहे मेरी भावना, मेरी क्या भावना है। और डेमोक्रेसी में मैं हमेशा कहता हूँ चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, गिनती नंबरों से होती है। यदि एक तरफ 100 आदमी है, एक तरफ 20 आदमी है तो 100 की संख्या वाला जीतेगा ना। तो डेमोक्रेसी में नंबर गेम की वैल्यू है, नंबर गेम यदि आपके साथ है तो आप ले लीजिए, इनके साथ है तो ये ले लेंगे, यदि जिसके साथ नंबर गेम है उसको महत्व मिलना। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि अमरीशपुरी बन गए हैं सर उनके। राजेंद्र गुड़ा जी मेरे दोस्त हैं और उनकी हर बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता। तो ये हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने एक बार फिर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि नोटिस जो मिले हैं उनके नेताओं को वो उसका जवाब देंगे और उनको उम्मीद है कि जल्दी ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसका समाधान हो जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।